नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। दुबई के एनकाउंटर से जिंदा हुआ 5 साल पहले मरा हुआ बाप। नेपाल से सटे इलाके में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली मारे गए। चंडीगढ़ स्थित मनीमाजरा थाना की पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पंचकुला के सिविल अस्पताल में कर्मचारी उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां, दिखाएंगे विस्तार से। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन का बड़ा बयान, राजनीतिक लोगों को समाज से जुड़े मुद्दों की है जानकारी। पंजाब में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू, प्लाज्मा बैंकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी मंजूरी। हिमाचल के नालागढ़ की कंपनियों के 1100 कर्मियों के लिए जाएंगे सैंपल, 31 संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। कानपुर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाश आरोपी विकास दुबे के साथी अमर दुबे के पिता संजीव दुबे पुलिस ऑपरेशन के दौरान जिंदा हो उठे, जबकि परिवार वालों ने कई साल पहले कह दिया था कि संजीव दुबे मर गए ताकि उसके विरुद्ध चल रहे सारे आपराधिक मामले बंद हो जाएं। भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार की सुबह 4 नक्सलियों को मार गिराया। सशस्त्र सीमा बल के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी हुई है। चंडीगढ़ के मनीमाजरा थाने के पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि 5 लाख रुपए रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाई गई मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर अब तक सीबीआई के हाथ नहीं लगी है। एक तरफ कोरोना संक्रमण देश भर में दिनों दिन अपने पैर पसार रहा है, मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है और आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइज संबंधित सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है ताकि कोरोना महामारी से बचाव हो सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में अस्पताल कर्मचारी सरेआम कोरोना का न्योता दे रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारी और वहां इलाज कराने आए हुए मरीज, यही नहीं अस्पताल के प्राशनिक खंड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी बिना मास्क के घूमते हुए कैमरे में कैद किया गया। पर आप वैसे ही लेके आप निकल रहे हो तो आप जाते जाते आप खुद को भी इन्फेक्ट करोगे तो दूसरों को भी करोगे। पंजाब सरकार में नवनियुक्ति मुख्य सचिव विनी महाजन ने शुक्रवार को अफसरशाही को मशवरा देते हुए कहा कि राजनीतिज्ञों को जनता से जुड़े हर मुद्दे की जमीनी स्तर की जानकारी रहती है तो बेहतर है वह राजनीतिज्ञों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यान्वयन रहें। पंजाब सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित 5 जिलों में शुक्रवार से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का प्लांट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसी बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने को हरी झंडी दे दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा है। वीरवार को कोरोना के 39 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 1141 हो गया है। इनमें से अकेले सोलन जिले में 33 मामले शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।